चुके हैं लाइन से, यहाँ पे सब KTMs लगी हुई है, KTM सब सेकेंड हैंड है। और इसका जो प्राइस है वो है 9.25 लाख। ओके, BMW का लोगो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही भारी है। इसकी कंडीशन बहुत ही न्यू है, न्यू टाइप। इसका साइज ही देखो आप लोग, कितनी बड़ी बाइक है। अगर यहाँ पे कोई बाइक लेवर आ जाए, भाई जाना मुश्किल है क्या इसमें, यहाँ से जाना। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी अर्शन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 100K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग पहले से देख रहे हैं, अभी जॉइन हुए मेरे चैनल पे, उन सब लोगों को हाथ जोड़ के शुक्रिया आप लोग। मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरा अंदर इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था। हाथ जोड़ के शुक्रिया आप लोगों ने, इतना टाइम वेस्ट किया मेरे पीछे, मुझे सपोर्ट किया, तो भाई मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much, giving so much of motivation and... आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं बुलेट ट्रैक, बट फिर से वहाँ पे आप लोगों को ऐसी सब लोकल बाइक्स नहीं मिलेगी, आप लोगों को एकदम सुपर बाइक्स मिलेगी, बेनेली, KTM। बाय द वे, KTM सुपर बाइक्स नहीं होती है, कुछ लोग मुझे पिछली वीडियो में बोले थे, लेकिन जो भी है, KTM के हर एक मॉडल, बुलेट के हर एक मॉडल। आज 2012 मैं मुलुंड में हूँ अभी फिलहाल, हमें सुनसान जगह पर आके शूट कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं रोड पे चलता हूँ एंड जाते हैं बुलेट रहता हूँ। वहाँ पर आप लोगों को सेकेंड हैंड बाइक्स मिलेगी, जितनी भी बाइक्स होगी सब सेकेंड हैंड होगी, एंड इंडिया की जो सबसे एक्सपेंसिव बाइक्स है, जो लग्जरी बाइक्स है, सब आप लोग वहाँ मिल जाएगी। हाँ, भूसा हो गई और हार्ली डेविडसन और निंजा, यहाँ तक कि निंजा और बाइक। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा गुच्ची का ड्रेस है, अगर आप लोग सेम ड्रेस चाहिए और भी दानिश जान जैसे दानिश भाई ऐसे ट्रैक सूट चाहिए, तो आप लोग मेरे इंस्टा शॉपिंग पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाना। मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप नंबर दोनों दिया, बाय द वे मैं हैंडल नहीं करता, मेरा फ्रेंड हैंडल करता है, वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों को ट्रैक सूट मिल जाएगा बहुत ही बॉम्ब और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। सो भाई चलो चलते एंड देखते। और राइट, सो गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग बुलेट राजा के आ चुके हैं यहाँ पे बुलेट राजा में, एंड अभी हम लोग अंदर जाएंगे, फिलहाल ये बंद है, अभी ओपन होएगा, तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर हमें कौन से बाइक देखने मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। सो गए, अभी हम लोग शॉप में आ चुके हैं, लाइन से यहाँ पे सब KTMs लगी हुई है, KTM सब सेकेंड हैंड है और हर एक मॉडल यहाँ पे है KTM का। तो पिछली बार मैंने सबका प्राइस नहीं बताया था, ये बार मैं आप लोगों को सब बाइक का प्राइस बता दूंगा, एंड बाय द वे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे दोस्त को है, मेरा फ्रेंड आप लोगों को क्लियर में पकड़ में बता देगा जो भी है। यहाँ पे सब बुलेट है, तो चलो एक एक करके सबका प्राइस देखते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग KTM से स्टार्ट करें, तो पहली जो बाइक है यहाँ पे ये है KTM, कौन सी KTM, डुक 390। ओके, तो इसका प्राइस जो है वो है 2,10,000। ओके, तो कितना, फरवरी 2018 का है, एंड इंश्योरेंस वैलिडिटी भी है इसके ऊपर फरवरी 2020, तो अगले महीने की है, मतलब इसका प्राइस जो कि 210 है। ओके, तो इसकी कंडीशन तो बहुत ही भारी है KTM की। ओके, तो सेकंड बाइक पे चलते हैं हमारी, इसमें सेम है क्या, ओके सेम कलर, ओके दूसरा कलर है, मतलब ये वाइट है, मॉडल सेम है। ओके, ऊपर भी जाएंगे हम लोग ऊपर, और सुपर बाइक से यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे ऊपर चढ़ाते हैं ऐसा, फिलहाल अभी हम लोग ऊपर बाद में आएंगे, पहले KTM और बुलेट दिखा दूँ आप लोगों को मैं सब। और इसका जो प्राइस है वो है कितना, 2,10,000। ओके, तो 210 ही इसका भी प्राइस। ये कब का मॉडल है, फरवरी 2018। ओके, तो ये भी आप लोग देख ही सकते हो, ड्यूक, बहुत ही कंडीशन जो कि है सब बाइक की बहुत ही बॉम है, और इसका प्राइस जो है वो है 1,35,000। इसका थोड़ा कम रेट है, जून 2017 का है, और 8,000 किलोमीटर चली है ड्यूक 250। इसका मार्केट प्राइस क्या होगा भाई, ऑलमोस्ट 230-240 तक होगा, यहाँ पे 135 इसका प्राइस है। और जो कि सेकंड बाइक जो है हमारी, कौन सी है, ड्यूक 250, इसके ऊपर भी प्राइस टैग नहीं लगा हुआ है, और सेम ही होगा ऑलमोस्ट, दोनों सेम ही है। ओके, खाली व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर, कलर भी यहाँ पे अवेलेबल है, सब सेकंड हैंड बाइक्स है, लेकिन कंडीशन बहुत ही भारी है यहाँ सबकी। इसका प्राइस है 1,30,000, कौन सी है, KTM ड्यूक 200। ओके, तो कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही डोप है, KTM तो डोप ही लगती है। और जो कि सेकेंड है हमारे पास 9,000 किलोमीटर चली है। ओके, ड्यूक 200 इसका प्राइस है, 1,40,000 इसका प्राइस है। ओके, सो ये वाली KTM की, और जो सेकेंड बाइक है हमारे पास वो है KTM ड्यूक 200, 1,40,000 इसका प्राइस है। ओके, सो अभी मैं सबके प्राइस बता देता हूँ। ओके, जो कि सोल्ड आउट हो चुकी है, फिर भी इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 170 है, और यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुकी है। ओके,
ओके, सेकंड जो बाइक है हमारी वो है ड्यूक 125 है, 1,38,000 इसका प्राइस है। ओके, तो सबकी कंडीशन तो बहुत ही डोप है लाइन से, और यहाँ पे है KTM RC 200 March 2017 का, 1,35,000 इसका प्राइस है ऑलमोस्ट। और तो की सेकंड जो की बाइक है हमारे वो है RC 200 AV, 7,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1,60,000 इसका प्राइस है। तो की कंडीशन जो की है वो की बहुत ही बॉम है, सब कंडीशन एक नंबर है बाइक की। और आगे भी है यहाँ पे RC 200, 1,900 किलोमीटर चली है, 2,00,000 इसका प्राइस है RC का। ओके, यहाँ पे भी है KTM RC 390, 2,30,000 इसका प्राइस है, 700 किलोमीटर चली है सिर्फ 390। ओके, सो इसकी कंडीशन भी बहुत ही बॉम है, मैं आप लोगों को साइड से भी दिखा देता हूँ। ओके, और बाकी साइड में है RC 200 AV, 1,80,000 इसका प्राइस है। आप लोग देख सकते हो कावासाकी Z1000 भाई ने बाहर निकाले, एंड अभी इसका आप लोग साउंड चेक करो खाली, ठीक है। सो गाइस, इसका जो प्राइस है वो है 9.25 लाख। ओके, तो ये जो आप लोग को बुलेट राजा में मिलेगी, तो ये भाई ने एक बाइक बाहर निकाले थे, एंड अभी इसका फुल साउंड आप लोग चेक करना अभी भाई निकालेंगे तो। ओके, खाली सब लोग साउंड चेक करना इसका। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कावासाकी Z1000, तो ये भाई ने मतलब परचेस कर लिए, तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस परचेस करके बुलेट राजा में? यहाँ पे मेरा सेकंड, मतलब मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आया हो क्या? अच्छा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं ये, बेस्ट डील। अच्छा, तो ये कावासाकी Z1000 है। ओके, तो यही लेने आए थे या कुछ और लेने आए थे? यही सोच के आए थे, और यही सोच के आए थे। ओके, लास्ट टाइम जो आया था तो मैंने गाड़ी देखी थी, कौन सी? Z900 देखी थी मैंने। Z900 देख के हम लोग वापस यहाँ पे मतलब आए एक अच्छा देखने के लिए। ओके, तो मतलब फाइनली भाई ने परचेस कर लिए, सो कॉन्ग्रेट्स। तो गाइज, ये जो है जो कि बाइक लवर्स के लिए जन्नत है पूरी। आप लोग अगर यहाँ पे कोई बाइक लवर आ गया, भाई जाना मुश्किल है क्या यहाँ से? जाना बिल्कुल जाना मुश्किल है, इसको भी बहुत पसंद है, इसको भी बोलता है सब लेके जाओ, उसका मन कर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही, तो यहाँ पे निंजा है, यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स है। पिछली बार मैंने ये सब बाइक कवर कर चुका है, लेकिन अभी कुछ न्यू बाइक्स भी आई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, एंड प्राइस में क्या ऊपर नीचे हुआ अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते। सो चलो, एक एक का प्राइस बताएंगे, एक एक मॉडल बताएंगे कि बाइक यहाँ पे कवर करते। सो वही, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहो। तो फर्स्ट जो बाइक है वो है निंजा, कावासाकी निंजा 400। ओके, जो कि इसका प्राइस है 4,50,000, एंड मार्च 2024 तक का इसकी इंश्योरेंस वैलिडिटी है, 4,500 किलोमीटर चली है, एंड इसकी कंडीशन बहुत ही न्यू है, न्यू टाइप ऑफ बहुत ही बॉम है, पूरी न्यू ही लग रही है मुझे तो। और जो कि सेकेंड है, सेकेंड बाइक जो हमारे पास वो है निंजा 650 ABS, 5,50,000 इसका प्राइस है, मार्च 2024 तक इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी है कावासाकी। ओके, 5,700 किलोमीटर चली है, इसकी क्वालिटी और इसकी मतलब कंडीशन देख लो आप लोग, बहुत ही बॉम है डूड। और जो कि है सेकंड में है, जो कि ये कौन सी है, ट्रैम स्ट्रेट ट्रिपल। ओके, तो 16,000 किलोमीटर चली है यहाँ पे, मार्च 2020 तक का है इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी, इंश्योरेंस भी है यहाँ पे 6,50,000। ओके, तो यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आना, इसकी क्वालिटी भी और इसकी कंडीशन भी आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही बॉम है। और जो सेकंड जो कि हमारे पास बाइक है वो है ट्राइम स्ट्रीट ट्रिपल्स, जो कि इसमें दूसरा कलर है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर रेड है। ओके, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 8,00,000। ओ भाई साहब, 8,00,000 इसका प्राइस है, जो कि कंडीशन के हिसाब से बहुत ही बॉम है। जो कि सेकंड जो बाइक है हमारे पास वो है होंडा CBR 650, वो 8,000 किलोमीटर चलिए, 5,80,000 इसका प्राइस है, जो कि साइड से आप लोग देख ही सकते हो ये बाइक कितनी बॉम है।
एंड इसकी कंडीशन तो बहुत ही भारी है डूड। एंड जो कि सेकंड है जो कि है बैनेली TNT वो कि निकल गया, इसके ऊपर रख देते हम लोग बैनेली TNT 600 आए जो कि दानिश भाई के पास थी। सेम इंश्योरेंस वैलिडिटी फिलहाल इसमें नहीं है, 6500 किलोमीटर चलिए और 550 का प्राइस है, इसके ऊपर रख दें। ओके सो ये कि बैनेली दानिश भाई के पास जो थी वो सेम है यहाँ पे, वही है ना। ओके जो सेकंड में रेड कलर में थी, ओके रेड कलर में भी अवेलेबल है। इसका प्राइस आप लोग देख सकते हो, इसका प्राइस थोड़ा इससे लो 2,70,000 इसका प्राइस है, 11,000 किलोमीटर ये भी चली है फिलहाल। ओके सेम जो कि दानिश भाई के पास की वही है बैनेली 600 है एंड सबकी कंडीशन जो कि बहुत ही इन लोग ने मेंटेन करके रखी कंडीशन कि कोई भी आएगा तो मतलब एकदम न्यू ही लग रही है पूरी, ऐसा लोग ने बना के रखी पूरी कंडीशन इसकी। बैनेली 600 है, 5,00,000 इसका प्राइस है। ओके तो यहाँ पे है कावासाकी ER 6N, ओके जिसका प्राइस है 4,00,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। ओके तो ये बहुत ही बॉम लग रही है। एंड जो कि सेकेंड है हमारे पास वो है यहाँ पे बजाज डोमिनार D400 1,40,000 इसका प्राइस है। ओके तो ब्लैक कलर बहुत ही बॉम लग रहा है और बाकी ये सब है सबका प्राइस बता देता आप लोगों को 1,40,000। फिलहाल एक बाइक हम लोग अभी बाहर निकलने वाले सुपर बाइक्स। ओके तो उसका मतलब आप लोगों को साउंड सुना दूंगा, क्वालिटी मतलब आप लोग देख लेना। यहाँ पे है BMW G310, इसका जो प्राइस है वो है 2,50,000 BMW का। ओके BMW का लोगो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही भारी है, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पे है BMW 9 से सब G310R, इसका 2,70,000 इसका प्राइस है ईयरली BMW का। और यहाँ पे है बैनेली TNT 300 2,40,000 इसका प्राइस है। ओके ये भी 300 है 2,50,000 इसका प्राइस है। ओके तो लाइन से भी बता देता हूँ, ये तो बैनेली है TNT इसका 2,60,000 इसका प्राइस है। ओके तो ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है R15 जो कि इसका जो प्राइस है वो है 1,30,000 इसका प्राइस है, 3,500 किलोमीटर चली है R15 जो कि ये सब कंडीशन बॉम ही है। यहाँ पे है कावासाकी निंजा ब्लू कलर में 3,20,000 का प्राइस है, ब्लू कलर में है निंजा कावासाकी। ओके और ब्लू कलर के निंजा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो निंजा 3,00,000 इसका प्राइस है। पिछली बार मैं आया था तब नहीं थी शायद से ब्लू वाली ब्लू कलर में, अभी न्यू आई है और आगे कुछ न्यू बाइक्स आई है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये देख लो आप लोग, इसके ऊपर इसका टैग नहीं लगा हुआ है। ओके आगे चलते हैं, और जो कि रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर INT 650 और 2,85,000 इसका प्राइस है। ओके और ये के जावा 42 1,90,000 का प्राइस है। ओके ओके एंड यहाँ पे है हार्ले डेविडसन 883 ABS है यहाँ पे 8,75,000 इसका प्राइस है कावा हार्ले डेविडसन का। ओके तो कंडीशन तो बहुत ही बॉम है, यहाँ पे भी है हार्ले डेविडसन आयन 883 5,00,000 इसका प्राइस है ये कावा हार्ले डेविडसन का। यहाँ पे भी हाँ हार्ली डेविडसन सुपर लो 883 4,00,000 इसका प्राइस है ये वाली हार्ली डेविडसन का। ओके एंड ये है जो कि कावासाकी 4,70,000 का प्राइस है। ओके एंड ये जो बाइक है ये अभी न्यू आई है ना भाई अभी यहाँ। ओके बैनेली TRK 502X 5,50,000 इसका प्राइस है जो कि बहुत ही यूज है, इसका साइज़ ही देखो आप लोग कितनी बड़ी बाइक है। ओके आगे भी इसका बहुत ही भारी लुक दिया हुआ है, बीस्ट है पूरी एकदम। और ये है कावासाकी वर्सेस 650 ABS 6,00,000 इसका प्राइस है जो कि ये भी न्यू आई है, ये भी बहुत ही यूज है, बहुत ही बड़ी है वाली भी, इसकी कंडीशन भी बहुत ही बॉम है। तो गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाले आप लोगों को दिखाने के लिए ये बाइक जो कि कौन सी है बाइक डुकाटी, तो डुकाटी हम लोग ने निकाले 796 डुकाटी। तो इसका साउंड आप लोग चेक करना है, फुल डिटेल में आप लोगों को बताएंगे हम लोग क्या है क्या नहीं है बाइक की स्पेसिफिकेशंस। सो
सो ये चीज़ हो डुकाटी। तो अभी यहाँ पे रिटर्न आएंगे भाई, तो हम लोग आपको एकदम डिटेल में बता देंगे जो भी है। तो आप लोग देख रहे ना, बहुत ही मतलब पिछले से थोड़ा यूनिक वीडियो बन गया यहाँ का बुलेट रहता था। हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल के आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पे कैसे हैं, कस्टमर का रिव्यू भी लिया हम लोगों ने कुछ। तो वही तो भी आएंगे भाई यहाँ पे रिटर्न, तो उसका आप लोग मतलब देख लेना रिव्यू कैसा है बाइक का वो। आ चुके हैं यहाँ पे डुकाटी, कैसा लगा भाई भगा के, कैसा लगा डुकाटी को? ये तो एकदम आसमान के ऊपर वाला फील है। हाँ, जो चलाएगा उसको मालूम रहता है भाई कैसा मजा आती है, उड़ जाएगा वहाँ पे, उड़ जाएगा। ओके, तो ये डुकाटी है, डुकाटी का कौन सा है भाई? डुकाटी मॉन्स्टर, डुकाटी मॉन्स्टर है। ओके, तो अभी भाई कुछ आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग देख लो उसका डिटेल में बता दीजिए कुछ बाइक के बारे में। डुकाटी मॉन्स्टर 796 है। ओके, और ये 2013 मॉडल है। ओके, 2013 का मॉडल है। ओके, हाँ, ये बाइक अभी 14,000 चला है, इसमें लियो विंस का एग्जॉस्ट लगा हुआ है ये। ओके, सो एग्जॉस्ट आप लोग देख ही सकते हो, दो है क्या? दो है, दो एग्जॉस्ट लगे हुए यहाँ पे डुकाटी में, तभी इतनी पावर है भाई इसमें। तो ओके, कंडीशन अभी देख, ये आपके पास कभी आई भाई बुलेट राजा में सेल के लिए? एक महीने पहले आई ये डुकाटी मॉन्स्टर। फिर शायद पिछली बार मैं आया था तब ये नहीं थी, जो कि एक महीना हुआ है लाके इसको सिर्फ। और कितना एवरेज देती है भाई? भाई एवरेज मत पूछो। फिर भी मतलब 15 का एवरेज देती है, क्योंकि सुपर बाइक्स का यही शॉर्ट रहता है, बाकी मज़ा आती है चलाने के लिए। चलाने तो भाई आप देखा अभी मैं क्या स्पीड में गया, क्या स्पीड? हाँ, वो स्पीड में है। ओके, नॉर्मल वैली है तो इतना स्पीड है, और रोड रहता रहो वहाँ पे रोड पे चलाना, और पब्लिक रिएक्शन भी बहुत कैसा रहता है भाई जब आप चला, जब है ना गाड़ी बंद रहती है और चालू करता हूँ और किसी को पता नहीं होता है ना कि इसमें साइलेंसर लगा और पीछे कोई खड़ा होता है, सब भाग जाते हैं। डर के भाग जाते भाई, सब डर के भाग जाते भाई, गाड़ी को हो क्या गया। ओके, तो मॉन्स्टर रखे, नाम ही मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर से काम भी करती है भाई। ओके, तो आप लोग यहाँ पे आओ जरूर, ऐसी बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पे भाई के पास, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। ओके, मुझे ये बाइक दिखी जो कि कितना दिन हुआ इसको? 5 दिन हुआ है और ये 60 किलोमीटर चली, सिर्फ 60 किलोमीटर चली है, 5 दिन हुआ है लेके। ओके, तो आप लोग ये आके ले सकते हो। कौन सी है बाइक? जिक्सर, ये जिक्सर SF250 है, SF250। ओके, इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस तो अभी हम लोग ने डाला नहीं है, मतलब डिसाइड नहीं किया। ब्रांड न्यू बाइक है, ब्रांड न्यू है, 5 दिन हुआ है भाई, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में। मतलब क्यों बेचा कस्टमर ने? भाई कस्टमर शौकीन था, अच्छा आ गया, मस्ती में ले लिया और फिर जम नहीं। अच्छा, इसके लिए वो मतलब सेल कर रहा है भाई को, मतलब सेल कर दिया भाई, अभी तक प्राइस डिसाइड नहीं किया। तो आप लोग आ सकते हैं आप बुलेट राजा में, भाई आप लोग को प्राइस बता देंगे। ओके, 68 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो सिर्फ 68 किलोमीटर चली है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है सेल पे। ओके, इसका साउंड सुनाओ भाई, तो इसका साउंड आप लोग देखो, ओके। सो ये जो बुलेट है वो बिक चुकी है, ये जो कि अंकल है उनने लिए है बुलेट। ओके, तो ये बुलेट राजा के ओनर है और ये कस्टमर है, इन्होंने फिलहाल ये बुलेट ले चुके हैं, ये वाली। ओके, सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो मेरे भाई इस वीडियो को। मैंने इतनी सारी बाइक्स बताया आप लोगों को, सुपर बाइक्स सब थी एकदम, और जो कि एकदम मतलब आप लोगों को कम रेट में मिल जाएगी, जो कि मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट है। एंड जो कि ऐसी सी बाइक थी ना, आए मैं आप लोगों को मतलब ऑन करके ही बताया, पिछली वीडियो में नहीं बता दिया, ये वीडियो में बता दिया। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को शेयर किया, मतलब आप लोग रोज़ मेरी वीडियो देखने आते हो, मैं इतने अच्छे से कंटेंट बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए और आगे। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूबर्स बनना चाहता है, जो कि मेरा भाई है, तो आप लोग को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और कंटेंट की ज़रूरत है, आप लोग अपने आप ऊपर पड़ जाओगे, किसी की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं शॉर्ट आउट दो भाई, हमारा चैनल नया बना है, शॉर्ट आउट से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, एंड थैंक यू सो मच ग
गाइस फिर से आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। 100 के मैंने सोचा नहीं था कभी मेरे 100 के हो गए गाइस, ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, सो वही अभी रो दूंगा मैं, सो वही। तो बस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड आज जो भी हूँ मैं दानिश भाई के ऐसे आपके ऐसे, क्योंकि दानिश भाई ने मुझे दानिश भाई से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है डूड, इसके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे से कंटेंट बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड आगे भी इतना ही बनाते रहूँगा। सो वही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बहुत बोल दिया मैंने, सो वही बाय।